आप देख सकते हैं कि ये आयरन रॉड है, ठीक है। ये कितने डिग्री पे साइड ऑफ इंक्लिनेशन बना रहा है, टेल ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वो आपको जिस भी पिलर पे साइड आ रहा है वहाँ से दिख जाएगा कि अप्रॉक्स कितना है। लाइक ये 20 डिग्री है, 24 डिग्री है, 30 डिग्री है, एंड देन 35 डिग्री है, लाइक दिस। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो टिल्ट है वो 225 डिग्री टिल्ट एंगल इसका आ रहा है। सो आप समझ सकते हैं कि पुराने ज़माने में लोग कितने इंटेलिजेंट थे और वो कैसे चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे। उन्हीं का हम अब एडवांस वर्जन यूज़ करते हैं। एंट्री है, पता नहीं क्या है यार। तो ये वाला जो सेक्शन हमें दिख रहा था, ये सेक्शन है जिसमें कि हम सूरज का टिल्ट एंगल को देख सकते हैं, ठीक है। इसके सामने ये वो क्लॉक है जो मंथ वाइज हम अपने टाइमिंग को हम देखते थे। तो लेट्स सी और क्या क्या देखने को मिलता है हमें इस जंतर मंतर में। अभी हम जंतर मंतर के अंदर हैं। छोटा फॉर्म है जो हमने अभी देखा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का वही कॉन्सेप्ट।
उस टाइम पे जो भी आर्किटेक्ट ने बनाया था वो शैडो एनालिसिस को लेके, टाइमिंग एनालिसिस को लेके, मंथ वाइज ये सारा चीज़ कैप्चर किया था। देख सकते हैं अलग अलग दिशा में अलग अलग एंगल्स पे चीज़ों को बनाया गया था। That's awesome. इस टाइम के कारीगरी के
अभी हम लोग जो है वो जंतर मंतर में हमने घूमा और यहाँ पे देखा कि जो भी चीज़ें हैं वो डेट टाइम सन की हाइट डायरेक्शंस इन पे बेस्ड काफ़ी सारे यहाँ पे कंपोनेंट्स उस टाइम के हिसाब से आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था, जो कि अभी हम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे जो भी आर्किटेक्ट थे उन्होंने स्टोन्स के हेल्प से अपने जो भी टैलेंट थे उसके हेल्प से यहाँ पे चीज़ों को ऐसे डिज़ाइन किया था कि चीज़ें जो है आपको हर चीज़ बता देगी। सो हम लोग अभी हैं जंतर मंतर में,